तो फेल गेम फैमिली, पहली बात तो कि कोई आज लेट ओपी भी नहीं करेगा, बिल्कुल टाइम पे आया हूं। 6:15 का टाइम था, 6:15 बजे मैं पहुंचा हूं, लेकिन चलो लेट ओपी कर लो यार, इतना दिन बाद आ रहा हूं, लेट ओपी तो बनता है। भले आज मैं लेट नहीं हूं, लेकिन ठीक है आप लोग लेट ओपी कर लो। और आज रोमन का टाइटल रेन, लास्ट टाइम पे जब मैं लाइव था तब द ट्राइबल चीफ रोमन रेन्स टॉप पे थे, अभी भी टॉप ही पे है अगर देखा जाए तो, लेकिन चैंपियनशिप भी रोमन ही के पास थी। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, कितना दिन हो गया भाई इस चीज को? रेसलमेनिया कब था? ऐसा लग रहा है कितना महीना हो गया, जबकि ऐसा है नहीं, आई थिंक ये एक ही हफ्ता हुआ है ना, पिछले वीक था, पिछले वीक के संडे को एक्चुअली, या मंडे को था। तो एक रॉ एक स्मैकडाउन बीत गया है, तो लास्ट टाइम रोमन के पास चैंपियनशिप थी। अब ये जो हसमुख लौंडा है अपना, यानी कि कोडी रोड्स, हंसते हुए कोडी के पास है चैंपियनशिप, और आज इसी टाइटल के लिए मैच हो रहा है। और सिर्फ टाइटल के लिए मैच नहीं है, फेल आर्मी लेट हो आप लोग, मैं जानो आज आप लोग लेट हो गए हो भाई, आईपीएल का मैच आज होगा। हाँ, उससे पहले मैं कल्टी हो जाऊंगा, मुझे भी देखना है, आरसीबी का मैच है भाई, मिस नहीं करने का, आज मैं भी देखूंगा, 7:30 से पहले जाऊंगा, टेंशन मत लो, आ जाओ एकदम फटाफट से आ जाओ मेरे भाई। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो मेरे भाई। क्या लगता है आज रोमन जीतेंगे या फिर कोडी जीतेंगे? कोडी के पास टाइटल है, रोमन जीत पाएंगे? हाँ, आगे सबको आ जाओ, एक बहुत ही खतरनाक अनाउंसमेंट है, जल्दी जल्दी आ जाओ, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा। भाई कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? जल्दी स्टार्ट करो, अरे अभी तो आया हूं यार, अभी आया, 2 सेकंड बात कर लो, फिर तो स्टार्ट होगा, फिर जान जाएगी मेरी। भाई भाई स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, 1 मिनट वेट कर लो, 1 मिनट वेट कर लो ताकि मैं अनाउंस कर सकूं। तो आज का मैच भली सिर्फ चैंपियनशिप के लिए, 5 मैच होगा याद रखना, 5 बार WWE चैंपियनशिप के लिए मैच होगा, और जिसने भी ज्यादा बार टाइटल जीत लिया, अगर कोडी ने लगातार 3 बार जीत लिया तो सिर्फ 3 ही मैच होगा, या अगर रोमन ने लगातार 3 मैच जीत लिया तब भी सिर्फ 3 ही मैच होगा, ठीक है? तो अगर रोमन आज जीत गए तो आज तो रोमन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन गेम के अंदर बन ही जाएंगे। साथ ही साथ जब भी मैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम करूंगा, वो कभी भी हो भाई, कभी भी करूं मैं इस महीने या नेक्स्ट महीने, रोमन को किंग की गद्दी का भी मौका मिलेगा अगर रोमन जीत गए तो। सुन लो, अगर जीते तो, और अब बोलोगे भाई ऐसा क्यों, रोमन को ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि रोमन का यार इतना अच्छा टाइटल रेन खत्म हुआ है, कम से कम गेम के अंदर थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देना बनता है, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? तो अगर आज कोडी जीत गए तब ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, किंग की गद्दी के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन रोमन ने अगर आज गेम के अंदर अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीत लिया तब भाई रोमन को किंग की गद्दी के लिए भी मिल जाएगा मौका। व्हाट इफ सीना इंटरफेयर इन रोमन वर्सेस कोडी मैच? भाई मजा तो बड़ा आएगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि सीना इंटरफेयर करें। तो पहला मैच स्टार्ट होने जा रहा है, तैयार हो जाओ, रोमन वर्सेस कोडी रोड्स फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल, हटा देना चाहिए क्योंकि अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप है। और जो पहला मैच है वो नॉर्मल मैच है मेरे भाई, नॉर्मल मैच, स्टिपुलेशन ऐड करेंगे हम लोग, लेकिन अभी ये जो पहला मैच है ये नॉर्मल मैच है। भाई क्या लगता है ट्राइबल चीफ, जब से नया अपडेट आया है, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जब से नया अपडेट आया वोटिंग दे रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ, जब से नया अपडेट आया रोमन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन बाकी सबके खिलाफ बहुत अच्छा खेल रहे हैं, क्या कोडी रोड्स के खिलाफ भी अच्छा खेलेंगे? चलो आज पता चल जाएगा, आज पता चल जाएगा मेरे भाई। WWE अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच है, कोडी इस बार कोडी चैंपियन है भाई, कभी सोचा नहीं था कि बोलूंगा, लेकिन भाई बोलना तो पड़ेगा, कोडी चैंपियन बन गए। और जॉन सीना और अंडरटेकर ने मदद करी भाई, भाई भाई भाई, सीना का मुझे उतना कंफर्म नहीं था कि सीना रेसलमेनिया में आएंगे, पता है मुझे सीना का लगा था थोड़ा थोड़ा, पर मैं स्टोन कोल्ड को लेकर कंफर्म था, पर स्टोन कोल्ड की जगह और ज्यादा खतरनाक आदमी आ गए जिसका नाम अंडरटेकर, भाई खतरनाक आदमी अंडरटेकर सर। और रोमन के फैंस अंडरटेकर सर पे भड़के हुए नहीं हो ना, सच्ची सच्ची चैट में बताना यार, अंडरटेकर गोट है यार, उन पे भड़क के क्या ही करोगे, अगर अंडरटेकर नहीं होते तो उनकी जगह स्टोन कोल्ड होते, कोई तो रहता ही, तो भड़क नहीं है तो पता है किस पे भड़को, सोलो पे भड़को, 2 टके का ट्राइबल चीफ बनने चला है सोलो, रोमन की गद्दी भाई कोडी, कोडी से खतरे में नहीं है, सोलो से खतरे में है। रोमन ने एक बार बोला था पता है कि सोलो ट्राइबल एयर है और आगे जाके ट्राइबल चीफ बनेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था भाई। इंटरफेरेंस ऑन है, नॉर्मल मैच है ना, तो इस मैच में इंटरफेयर कर सकते हो, पहला मैच है। रोमन की बॉडी येलो, हेड येलो, क्या चल क्या रहा है भाई? देखो अपडेट आने के बाद से रोमन तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन अरे रोमन
इतना जल्दी पिनफॉल? रोहन अभी तो स्टार्ट हुआ भाई, अभी तो स्टार्ट हुआ है भाई, मैं पानी पी लू। पूछने की क्या जरूरत है यार, पी ले, मतलब मैं नहीं बोलता तो पानी नहीं पीता। हाँ तो मैं सोलो की बात कर रहा था, बताओ सोलो। एक तो टामा टोंगा, मैं उसका नाम लेता हूँ थोड़ी हंसी आ जाती, लेकिन ठीक है, अच्छा नाम है। आई होप कि आगे जाकर, ऐसे तो बाहर इंडिपेंडेंट सर्किट के काफी बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन आई होप कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी बहुत अच्छे सुपरस्टार बन जाए। ये सोलो सीना को हराने के बाद इतने मैचेस में हार रहा था, ये रोमन की जगह कैसे ले गया यार, ट्राइबल चीफ बनने चला है। कोई सोलो के बारे में मैंने पूछा था बहुत पहले फेल आर्मी आप लोगों से, याद है कि अगर सोलो ऐसा कभी करता है कि रोमन की जगह लेने की कोशिश करेगा तो क्या आप लोग सोलो को सपोर्ट करोगे? तो उसी दिन सबने बोला था कि नहीं भाई बिल्कुल नहीं करेंगे, सोलो को दम तक गरियाया था, और जो मैंने 3-4 महीने पहले पूछा था अब वो रियल लाइफ में हो रहा है। तो अब आप लोग सोलो को क्या बोलना चाहोगे प्लीज मुझे बताओ। रोमन का चैंपियनशिप सिर्फ लिया कोडी ने, लेकिन टामा टोंगा, यार पता नहीं, थोड़ा सा टामा ठीक भी है, लेकिन टामा और टोंगा मतलब कैची नाम है, अगर देखा जाए तो कैची नाम है लेकिन कॉमेडी नाम है। फिलहाल रोमन की बॉडी लाल, हेड येलो, कोडी देखो अगर लगातार 3 मैच जीत गए तो ना सिर्फ ये अपना चैंपियनशिप बचा लेंगे बल्कि रोमन को किंग की गद्दी के लिए रीमैच भी नहीं मिलेगा। याद रखना 3 मैच जीतना होगा, ज्यादा मैचेस नहीं है, क्योंकि आज जान रहे हो ना आज मैच है भाई, 7:30 बजे से मैच है, इसलिए ज्यादा लंबा लाइव स्ट्रीम नहीं चलेगा, 1-1.5 घंटे का, मतलब मुझे लगता है 7:30 तक या उससे 5 मिनट पहले तक मैं खत्म कर दूंगा। भाई पूरा वो कॉन्फिडेंस है कि रोमन ही जीतेंगे भाई, मुझे लगा कोडी के बारे में बोल रहा है। चलो देखते हैं भाई, तेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन फिलहाल ना दिक्कत ये कि रोमन की बॉडी लाल, हेड येलो, और पर दोनों ही के पास किसी के पास भी सिग्नेचर फिनिशर है नहीं। सोलो खुद मैच बहुत टाइम से जीता नहीं। हाँ मैं वही बोलने जा रहा था, अचानक से मैं कुछ और देख के भूल गया। सोलो 40 या 42 मैच में लगातार हारा है, बताओ रोमन की जगह लेगा? रोमन बनना है लड़के को, पर निकल गया बताओ, मतलब रोमन को ये बोलना चाहिए आकर, मतलब भले ही हिंदी में बात नहीं करते रोमन, लेकिन हिंदी वाला डायलॉग मारना चाहिए कि मैं शरीफ क्या हो गया, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई, और सोलो ट्राइबल चीफ और टामा टोंगा को लाकर कोई और भयंकर को लेकर आता जो लंबा चौड़ा हो रोमन की तरह या रॉक की तरह, तो मैं बोलता भी। टामा टोंगा भी खराब नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं टामा टोंगा खराब है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में भाई ने अभी तक कुछ किया नहीं। तो फिलहाल दोनों के पास सिग्नेचर आ चुका है और रोमन इंटरफेरेंस करवा सकते हैं, और पता है इंटरफेरेंस करने कौन आएगा? एक नया ट्राइबल चीफ, जो कि ट्राइबल चीफ नहीं ट्राइबल थीफ लगता है सोलो अपना। कोडी क्या कर दिया, अपना सिग्नेचर वेस्ट कर दिया है कोडी ने, रोमन को मारने के चक्कर में कोडी ने सिग्नेचर वेस्ट किया है, लेकिन हो सकता है, ओ हो कोडी ने कांड कर दिया ना। कोडी की जो एबिलिटी है ये फिनिशर लाने वाली एबिलिटी, ये बड़ा सही है यार, वोटिंग चेक करो, मां कसम 75% वोट भाई, कोडी से क्या दिक्कत है यार। इधर फिलहाल फिनिशर लगा दिया है कोडी ने, रोमन इंटरफेयर नहीं करवा रहे, क्यों नहीं करवा रहे हो रोमन? 1-2 पहला बिना रेजिलेंसी के, मां कसम बिना रेजिलेंसी के किकआउट किया रोमन ने, रेजिलेंस है रोमन के पास लेकिन रेजिलेंस यूज किया नहीं, ट्राइबल चीफ को ज्यादा ही डेंजर हो गया। मैंने बोला ना देखो हार भी जाए ना, लेकिन एक बात तो है कि अपडेट आने के बाद से मैं देख रहा हूं कि रोमन को ज्यादा ही अच्छा खेल रहे हैं भाई, इतना मार खा पड़ गया था, अच्छा खासा पड़ा था, लेकिन रेजिलेंस यूज नहीं किया यार। अब सेम काम अगर कोडी भी करे तब मैं बोलूंगा बराबर की टक्कर है। रोमन पसंद नहीं था, लेकिन रोमन हारने के बाद पसंद आने लगा है। हाँ देखो पहले ही बहुत लोग चाहते थे कि रोमन का टाइटल रेन खत्म हो जाए, लेकिन खत्म होने के बाद बुरा लगा बोल सकते हो, हाँ बुरा लगा, जो ये भी चाहता था कि रोमन का टाइटल रेन खत्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद भी बुरा लगा कि रोमन, क्योंकि अब जो रोमन आएंगे ना और रोमन का अब जो रन चलेगा ना वो और ज्यादा, पता है ट्राइबल चीफ बहुत अच्छा था लेकिन कभी तो टाइटल रेन खत्म होना ही था ना, तो कभी तो होता ही यार, ऐसा थोड़ी 4 साल कितने बड़े बड़े WWE सुपरस्टार आए लेकिन 4 साल कोई नहीं, मतलब आज से जमाने पहले कोई रखता था हल्क होगन सर के टाइम में सोचो, और ये न्यू एरा के टाइम में कोई 4 साल चैंपियन नहीं रहता था, लेकिन रोमन 4 साल रहे और बहुत ही खतरनाक टाइप से रहे, नो डाउट। निखिल भाई वेलकम टू फेल आर्मी। कोडी रोड्स, देखो कोडी रोड्स को मैं ट्राई देना चाहूंगा, इससे याद आया एक चीज याद आया, पता है कोडी रोड्स को बहुत लोग बोल रहे हैं कि बोरिंग चैंपियन है,
तो मेरी रेसलिंग पीडिया पे वीडियो अभी आएगी, ये लाइव स्ट्रीम खत्म होगा ना, इसी बारे में बात करूंगा कि क्या कोडी रोमन से बेटर चैंपियन बन पाएंगे या फिर कोडी बोरिंग चैंपियन है। रेसलिंग पीडिया पे आएगी वीडियो, टेंशन मतलब आजकल ना वहां पर मैं रेगुलर हो गया हूँ, क्योंकि रेसलिंग पीडिया पे अगर 1 मिलियन हो गया ना फेल आर्मी, सुन लो रोमन रेजिलेंस है, रोमन रेजिलेंस यूज कर रहे नहीं है, कोडी के पास एक और फिनिशर है। हाँ फेल आर्मी सुन लो, ठीक है, जैसी 1 मिलियन रेसलिंग पीडिया पे भी हो गया ना, फेस रिवील पक्का, रोमन ने फिनिशर छीन लिया है, पर अपना फिनिशर लगाया नहीं रोमन भाई, फिनिशर छीनते के साथ लगाते तब ना, देखो आज सिर्फ टाइटल दो पे नहीं लगा हुआ है। थैंक यू फॉर द शॉर्ट आउट, अरे क्या दिक्कत भाई, निखिल भाई वेलकम वंस अगेन। कोडी का पिनफॉल, कोडी रेजिलेंस यूज करोगे, पहले मैच में कोडी ने रेजिलेंस यूज कर ली है, रोमन जीतने वाले हैं भाई। हाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ, रेसलिंग पीडिया पे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए ना, जो कि ज्यादा दूर नहीं हूँ, उस पे सिर्फ 1,40,000 और होने, 8,60,000 हो ही गए उसमें, ठीक है, उस पे भी 1 मिलियन हो गया तो फेस रिवील। हाँ मैं फेल गेम पे नहीं करूंगा, रेसलिंग पीडिया पे वीडियो डाल दूंगा, तो वहीं पे देख लेना ना यार, क्या दिक्कत है। ये सुपरमैन पंच कनेक्ट हुआ, कोडी का गेम में टाइटल जाते जाते बच गया है, सुपरमैन पंच लगता ना डेफिनेटली टाइटल जाता, लेकिन टक्कर का मैच है, पहले ही मैच इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा रंगीला बना दिया है, खतरनाक भाई, लगा नहीं था पहला मैच इतना धासू जाएगा, लेकिन सही है सही है। कोडी पिनफॉल, पहला ही मैच गया, टू द ट्राइबल चीफ, मैंने बोला भाई, मैंने बोला यार, जब से नया अपडेट आया है रोमन और अच्छा खेलने लगे हैं गेम के अंदर, टाइटल चलो कोई नहीं, रोमन के फैंस यहां खुश हो जाएंगे अभी, क्योंकि गेम में रोमन के पास टाइटल आ गया है, 2 मैच अगर और रोमन ने जीत लिया, याद रखो, नहीं 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 किंग टूर्नामेंट नहीं है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट मैच, तो ये किंग टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया था स्टार्टिंग में, अगर रोमन ने 3 मैच जीत लिया, 5 मैचेस में से 5 मैच होंगे टोटल, उसमें से तीन रोमन ने जीत लिया, जिसमें से 1 जीत लिया है, तो इनकेस अगर रोमन ने 3 जीत लिया, ठीक है, तो रोमन को किंग की गद्दी के लिए मैच मिलेगा, जब भी मैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम करूं किंग की गद्दी के लिए होगा। कोडी देख लो भाई, आज हो सकता है चला जाए, कांड हो सकता है कोडी, अगर चाहते हो कि रोमन को किंग की गद्दी के लिए मैच, रॉक नया वाला देखा मैंने, डाउनलोड कर लिया था ना रॉक का न्यू कपड़ा आप लोग, हाँ आई थिंक वीडियो में मैंने दिखा दिया था, चलो ठीक है, रोमन को, रोमन और कोडी के कपड़े चेंज कर दूं, मतलब वही है, सेम टू सेम वही है, बस अटायर चेंज कर दे रहा हूं, क्या बोलते हो, कोडी का एक रॉ वाला अटायर मैंने बनाया था, तो ये वाला यूज करूं, ना 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 छोड़ो, नॉर्मली रखता हूं भाई, रोमन कभी चोटी वाला नहीं लेता हूं, लाली पैंट वाला ठीक है, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, 7:30 तक टाइम है ना अपने पास, एक एक फिनिशर दे देना चाहिए दोनों को। हाँ ये चीज आ गया भाई, अनाउंसर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने मैच में, तो समांथा को मैं अनाउंसमेंट में रख सकता हूं हर मैच में, 2K ने ये अच्छा अपडेट डाला है, ऐसी धीरे धीरे, ओ रेफरी भी, रेफरी को काई कुछ, रेफरी एम्बुलेंस मैच में रहता है क्या नहीं, आई थिंक एम्बुलेंस चला के आता है रेफरी, ओके रेफरी तेरे नाम इन्हीं को रखता हूं मैं, चलो भाई टाइटल के लिए, सारे मैचेस टाइटल के लिए हो रहे हैं, अगर 2 मैच और रोमन ने जीत लिया, याद रखना कि रोमन को अब इसके बाद किंग की गद्दी के लिए मैच मिलेगा। शुरू होते एक साथ रोमन ने अपना काम शुरू कर दिया है भाई, रोमन कब आएंगे WWE में, मैं देखो अभी बहुत सारी न्यूज है, ऐसे समर स्लैम तक का थोड़ा सा है कि समर स्लैम तक रोमन आ सकते हैं, लेकिन देखो WWE जिस हिसाब से Triple H के अंडर में है, Triple H हो सकता है कि सरप्राइज रखे, और अचानक से जब कोई नहीं ना सोचेगा, हो सकता है ये बैकलैशी में आ जाए, हो सकता है कभी कल रॉ में आ जाए, यही तो ट्विस्ट है, कभी भी आ सकते हैं रोमन, लेकिन इसी साल आएंगे ये कंफर्म है, ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं गए रोमन। यूनिवर्सल चैंपियन एक बार, नहीं नहीं लिख के देने की जरूरत नहीं मेरे भाई, आप 2-3 पॉइंट तो याद ही रहेगा यार, 2-3 पॉइंट अपन भूल थोड़ी जाएंगे। नेक्स्ट, ओके ओके रुक जाओ, नया वोटिंग यार, एक तो कोडी के फैन, जब से कोडी ने टाइटल जीता है कोडी रोड्स के फैन लोग सो गए हैं क्या भाई, इतना अच्छा नहीं, ठीक है चलो चैंपियन बन गए, लेकिन उसके बाद आराम करने लगे हो क्या सब, रुको एम्बुलेंस मैच, 2 मैच और जीता रोमन ने, याद रखना फिर से बोल रहा हूं, 2 मैच और जीता रोमन ने, रोमन को भाई किंग गद्दी के लिए मिल जाएगा नेक्स्ट, जब भी लाइव करूं मैं, 1 साल बाद क्यों ना करूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, 1 साल बाद नहीं करूंगा,
लेकिन जब भी नेक्स्ट लाइव करूंगा तो यही किंग की गद्दी के लिए होगा। अरमान भाई मैन ईटर का नेक्स्ट, अरे भाई गलत चैनल पे यार, ये फील गेम टू पे ऐसे सवाल पूछा कर भाई, एक बंदा है रेस्लिंग पीडिया करके, उसकी आवाज आपकी जैसी है। अबे मेरा ही चैनल है यार, क्या कर रहा है, क्या है यार, ओजी सब्सक्राइबर तू नहीं है भाई, मतलब पुराना सब्सक्राइबर तू नहीं है, नया नया आया है। ठीक है मैं समझ गया, कोई नहीं, फिनिशर यूज करके कोडी एटलीस्ट एम्बुलेंस के अंदर डालने का ट्राई कर सकते थे, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि जब पूरा ही पीट देंगे उसके बाद फिर एम्बुलेंस में डालने का ट्राई करेंगे। भाई किंग वाला बेल्ट बना लेना, चलो ठीक है, किंग की गद, सही बोला, मैंने एक बार बनाया भी था पता है, लेकिन ठीक बोल रहे हो, बेल्ट रहेगा ना दो पे, मतलब अभी तो फिलहाल दो पे रहता ही है, लेकिन बेल्ट रहेगा ना दो पे तो ज्यादा सही लगेगा। शुभम भाई हाय ब्रो, अरे हेलो ब्रो, क्या हाल चाल, कोडी इज आवर न्यू ट्राइबल चीफ, ना 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 रे, वो तो सोलो बनने के चक्कर में है, कोई और बनता भाई, देखो रॉक भी बनेंगे ना तो यकीन हो जाएगा, सोलो हरल पार्टी इतना हारता रहता है यार सोलो, जब से अच्छा सीना से जो भी जीतता है रेसलमेनिया में, या फिर सीना रोमन को छोड़कर, सीना जो भी नए स्टार को पुश देते हैं ना हार के, उसके ऊपर मनुष्यत लग जाती है, वो लगातार उसका पुश पूरा खत्म हो जाता है। एक टाइम पे याद है ऑस्टिन थ्योरी, ऐसा लग रहा था कि WWE का नेक्स्ट बड़ा स्टार बनेगा, और उसके बाद उसने सीना को हराया रेसलमेनिया में, और अब जाके बेचारा टैग टीम चैंपियन बना है। बताओ एक टाइम ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्टिन थ्योरी कैश इन करके रोमन पे चैंपियन बन जाएगा। हाँ एक टाइम ऐसा था, भली अभी आपको याद नहीं आएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ करता था, पर अब देख लो बेचारा कहां गायब हो गया है। और सेम गोस फॉर सोलो, वो तो रोमन के साथ सोलो आता था इसलिए लोग याद भी रखते थे, वरना रोमन के साथ नहीं आता लड़का तो उसको सब भूल भी जाते। और अब अभी फिलहाल मुझे लगता है कि सोलो को काफी पुश मिलेगा ट्राइबल चीफ बनने की वजह से, और रोमन जब आएंगे तो फिर गर्दा उड़ा देंगे सोलो का। रोमन सेकंड मैच भी लगातार जीतने वाले हो क्या, अगर भाई तीन मैच इतना जल्दी खत्म, मैं कसम ओ, अगर रोमन ये मैच जीत गया ना तो नेक्स्ट मैच जो भी होगा वो फाइनल हो जाएगा, अगर रोमन जीतते रहे तो। भाई आज मतलब मुझे लगा था कि आज का स्ट्रीम जल्दी खत्म करना है, लेकिन रोमन इतना भी जल्दी खत्म नहीं करना है, रोमन क्या कर रहे हो, इतना जल्दी खत्म कर दो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्लीज गिव मी योर रेसलमेनिया चैनल, ओ रेसलमेनिया चैनल नहीं है रे, रेसलिंग पीडिया, अच्छा ठीक है, जाने से पहले मैं लिंक डाल दूंगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि रेसलिंग पीडिया पे भी 1 मिलियन हो गया ना तो फेस रिवील, देखो फेल गेम पे भाई हर साल 1-1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो मुझे लगता है इस हिसाब से 6 साल लगेंगे 1 मिलियन होने में। पर पीडिया पे अब मैं रेगुलर हो चुका हूँ, मैंने बहुत टाइम से छोड़ दिया था, लेकिन अभी रेगुलर हूँ मैं रेसलमेनिया से पहले से ही, और अब रेगुलर रहूंगा। कभी कभी ऐसा होगा कि वीडियो नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर हफ्ते में कम से कम 6 वीडियो तो आएगी आएगी, ज्यादा भी हो सकती है। तो हाँ पीडिया पे भी 1 मिलियन हो गया, जो कि ज्यादा करीब है 1 मिलियन के, तो फेस रिवील पक्का। भाई बस आपको हंसाना चाहता था, फॉलोइंग यू सिंस 100 के, अरे वाह चलो तब ठीक है भाई, इसी बात पे कोई रेसलिंग पीडिया का यार लिंक डाल देना, अभी नहीं जाते टाइम इतना कोई मेरे ऊपर थोड़ा सा ये करना फेवर, कोई दे देना लिंक, या छोड़ो मैं ही डाल दूंगा, हटाओ इतना क्यों करोगे, मैं जब स्ट्रीम खत्म होगी ना मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा स्ट्रीम खत्म होने के बाद। कोडी रोड्स फैन जागते रहो, हाँ भाई फिलहाल तो कोडी रोड्स के फैन लोग सोए हुए, और जिस हिसाब से रोमन लगातार ये दूसरा मैच जीतने वाले हैं तो देखो भली आज किंग की गद्दी नहीं जाएगी, लेकिन आज गेम के अंदर कोडी का टाइटल जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी लाइव होगा, ये आप लोग टैग कर लेना भाई कि नेक्स्ट टाइम कब लाइव होगा, तो जब भी लाइव होगा नेक्स्ट टाइम किंग की गद्दी दो पे लगी रहेगी, ठीक है। फिलहाल रोमन ये मैच नहीं जीतेंगे क्योंकि कोडी के पास अभी रेजिलेंस है, कोडी बिना रेजिलेंस के बच गया, रेजिलेंस यूज नहीं की कोडी ने, सही जा रहे अभी तक तो सही जा रहे हैं भाई। अरमान भाई ये क्या यूट्यूब में लाइफ टाइम करियर है, भाई देख अभी मेरी लाइफ टाइम पारी नहीं हुई यार, तो मैं तेरे को कैसे बताऊं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और यूट्यूब यूज करते रहूंगा तो बता दूंगा। एक तो ना देखो आजकल जो स्कूल में पढ़ते हैं ना बच्चे लोग, वो लोग भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, भाई गलत है, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, स्कूल कंप्लीट, एटलीस्ट स्कूल कंप्लीट कर लो यार, अगर घर में कोई सपोर्ट कर रहा है तब अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स से लड़ के अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हो तो दिक्कत है यार। भाई आज RCB वर्सेस में कौन जीतेगा, भाई आज RCB जीतेगा, देखो मैं बोल के जा रहा हूँ आज RCB जीतेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, और इसीलिए आज मैं स्ट्रीम भी जल्दी बंद करूंगा,
मैच देखने जाऊंगा, मतलब लाइव नहीं यार, टीवी पे देखूंगा यार, लाइव के पैसे अभी नहीं आए। रोमन की रेजिलेंसी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ना ना ना, मुझे नहीं लगता। कोडी पूरा ट्राई कर लिया कोडी ने, लेकिन रेजिलेंस नहीं गई है अभी तक तो नहीं गई है फिलहाल। भाई टकलू रेफरी को क्यों नहीं रखते भाई इस मैच में, रख के फायदा क्या था यार, इस मैच में रेफरी नजर थोड़ी आता है। अच्छा एक चीज देखें, रुक जाओ, इनका मैच तो चल रहा है, चलने दो, एम्बुलेंस में कोई नहीं रहता है यार, देखा मैंने बोला ना, एम्बुलेंस में कोई नहीं रहता है, रेफरी कुछ, जबकि रेफरी का को कायदे से, रोमन एक और स्पीयर दे ही दिया है, तो अब ले जाओ एम्बुलेंस की तरफ, मारते मत रहना रोमन, नहीं नहीं नहीं, रोमन टाइम वेस्ट करने वालों में से नहीं है, एम्बुलेंस की तरफ ले जा रहे हैं। रोमन बंद काय को कर दिया, रोमन जीत रहे थे ये मैच, रोमन क्या इरादा क्या है रोमन का भाई, एम्बुलेंस बंद काय को किया यार। भाई आप कौन सी टीम के फैन हो, देखो अगर धोनी सर अपनी टीम अकेले भी बना ले तो मैं उनकी टीम का फैन बन जाऊंगा, क्योंकि मैं क्रिकेट में बस देखता हूँ धोनी को देखने के लिए, मैं ऐसे एक्चुअली बहुत लोगों को पता होगा ये बात, मैं क्रिकेट में, हाँ सुन के शौक मत होना, मुझे क्रिकेट में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस बहुत कम ही मैचेस देखता हूँ, जब तक वर्ल्ड कप दौ पे नहीं लगा रहा है, और कभी कभी अभी ना आरसीबी भाई लास्ट टाइम हार गए थे, मुझे बहुत बुरा लगा उनका मीम्स देखकर, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज का मैच देखूं, पता तो चले कि हार क्यों रहे यार इतना। रोमन जीतेंगे भाई आज, अभी तो एक मैच जीत गए, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। रोमन एक और फिनिशर अभी देने की जरूरत नहीं है, बचा के रख सकते थे, कोडी की बॉडी लाल, हेड लाल, नेक्स्ट मैच आप लोग टैग करके रखो, जो भी जीता नेक्स्ट मैच क्या होगा, ठीक है, सोचने समझने का आज टाइम नहीं है, 7:30 से पहले लाइव स्ट्रीम बंद करना है, इसलिए सोच के रखो जल्दी से, आज जल्दी जल्दी मैच होगा भाई। भाई आईपीएल चालू हो गया, अरे अभी कहां से रे, 7:30 से ना मैच स्टार्ट होता है, पहले ही तू चालू करवा दे रहा है। कोडी रोड्स कितना गलत आदमी है भाई तू, बच्चे लोग पढ़ लेंगे कमेंट्स, सर्च करके देखेंगे तू क्या बोल रहा है। कोडी बच गए, अगर अंदर जाते डेफिनेटली कोडी की रेजिलेंस जाती। हाँ कोडी, रोमन के पास सिर्फ, अरे दोनों अंदर जाना चाह ही नहीं रहे यार, दोनों ट्राई पे ट्राई किया, अरे रे रे रे, कितना स्पीयर दोगे रोमन, अब तो डेफिनेटली, अब इसके बाद तो रेजिलेंस जानी ही है, अगर कोडी अंदर गए अब रेजिलेंस गई भाई, चलो भाई कोडी अपनी रेजिलेंस को टाटा बोल दो, डेफिनेटली रेजिलेंस गई, कोई नहीं बचा भाई, हो सकता है कि डायरेक्ट बंद भी हो जाए अगर कोडी अपनी रेजिलेंस यूज नहीं करते, कोडी यूज कर लेना ऐसे भाई, रेजिलेंस जानी है, कोई नहीं बचा सकता है, 2-3 स्पीयर लगा दिए रोमन। हाँ देखा कोडी के पास, अगर इस बारी कोडी को अंदर ले गए रोमन तो रोमन जीत जाएंगे सेकंड मैच, और उसके बाद रोमन को सिर्फ और सिर्फ एक और मैच जीतना होगा। अरमान भाई एलेक्सा विल ने क्या बकता है नहीं 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 ठीक है कैस्केट मैच करना ना, अरे एम्बुलेंस मैच कैस्केट मैच दोनों लगभग सेम ही टाइप के हैं, भले दिखते अलग अलग टाइप के लेकिन ऑलमोस्ट दोनों सेम है, एक में एम्बुलेंस में बंद करना है, एक में कैस्केट में बंद करना है, तो अच्छा दिखता है चलो ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ और स्पेशल गेस्ट रेफरी, ठीक है चलो स्पेशल गेस्ट रेफरी कर सकते हैं, अगर ये मैच रोमन जीत गए तो स्पेशल गेस्ट रेफरी, और स्पेशल गेस्ट रेफरी ना किसी रैंडम आदमी को रखा जाएगा या किसको रखा जाएगा, आप लोग बताओ, देखो रोमन का आदमी को मत बोलना यार, तब तो अनफेयर हो जाएगा कोडी के साथ, ठीक है भाई आप कैमरा कंट्रोल करो, नहीं 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 आज मुझे उतने पैसे नहीं मिले कि मैं आज कैमरा मैन का भी ड्यूटी पूरा करूं, ये काम मैं सिर्फ किंग की गद्दी के दिन करूंगा भाई, जिस दिन किंग की गद्दी दौ पे लगी होगी ना, अगर आज रोमन 2 मैच और जीत गए, ज्यादा नहीं जीतना है अभी, सिर्फ ये मैच और इसके बाद नेक्स्ट मैच, लास्ट मैन स्टैंडिंग किया जा सकता है, आइडिया अच्छा है कोडी और रोमन, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा प्लीज रिंग के बाहर जाओ दोनों, ज्यादा अच्छा रहेगा, ब्लडलाइन रूल मैच कर सकते हो भाई ब्लडलाइन, भाई देखो WWE वाले ना बड़े चलाके नाम अलग अलग रख देते हैं बाकी काम वही रहता है, ब्लडलाइन रूल मैच में कितने लोगों को ऐसा लग रहा था कि जरूर कोई रेफरी बनेगा ब्लडलाइन में से, कोई कुछ करेगा, लेकिन ब्लडलाइन रूल मैच पता है क्या था, एक्सट्रीम रूल्स मैच आप बोल सकते हो, हाँ कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो WWE ने बस नाम का दे दिया ब्लडलाइन रूल,
तो ऐसा थोड़ी था कि कोडी की तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर डायरेक्टली बोल देते एक्सट्रीम रूल्स तो मजा नहीं ना आता, इसलिए ब्लडलाइन रूल। कितने लोग शॉक हुए थे ये देखकर कि ब्लडलाइन रूल एक एक्सट्रीम रूल्स मैच है। कोडी और रोमन अंदर जाने के क्या लोगे भाई लोग, दोनों के दोनों नीचे जाओ एम्बुलेंस के और एक आदमी को अंदर डालने की तैयारी करो। कोडी आई थिंक के नीचे रोमन को फेंकने वाले हैं। रोमन की भी रेजिलेंस गई, मार्कसम कोडी जंप मारना चाहिए था ना। अरे रे 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 कोडी इतना अच्छा मौका मिस कर दिया, जंप करना चाहिए था रोमन के ऊपर फिनिशर। अब तो रोमन की रेजिलेंस गई भाई, दोनों बराबरी पे आने वाले हैं क्योंकि रोमन की भी रेजिलेंस जाने वाली है। चलो भाई रोमन की भी रेजिलेंस गई, इसके बाद तू जानी है यार, अब चांस कम ही है कि रेजिलेंस बचेगी। क्या चलो भाई दोनों बराबरी पे आ जाएंगे, इसके बाद जो अंदर गया वो गया, रेजिलेंस जानी भाई अब बचना इम्पॉसिबल ही है क्योंकि ऊपर से एम्बुलेंस के ऊपर से फेंका, उसके तुरंत बाद एक फिनिशर लगाया, दोनों की रेजिलेंस जा चुकी है भाई। और दोनों के पास फिनिशर भी नहीं है, किसके पास आएगा पहले? कोडी के पास सिग्नेचर आने वाला है। पहला मैच रोमन जीत गए थे, सेकंड मैच कोडी रोड्स जीतने वाले हैं। अरे दोनों बेहोश हो गए, ये अच्छा नहीं है। कोडी अगर सिग्नेचर देकर रिंग के अंदर, कहां चल दिया? अरे नाइटमेयर, कहां कोडी कहां? कोई वेपन लेने गए भाई, चेयर। कोडी ये चेयर कहीं भारी नहीं पड़ जाए, कनेक्ट हुआ तो ठीक है, हाँ कनेक्ट हुआ तो सही है भाई। चेयर पे चेयर। अब कोडी सिग्नेचर लगाएंगे, देख लेना। और रोमन ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, सेकंड मैच शायद अगर ये रिवर्स नहीं हुआ तो रोमन सेकंड मैच जीत सकते हैं। और ना सिर्फ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, रोमन तीन बार जीत जाएंगे। अभी ये मैच दो होगा, लेकिन अगर तीन बार जीत गए तो रोमन को किंग की गद्दी के लिए मैच मिल जाएगा भाई। किंग के लिए नहीं है, टाइटल के लिए। लेकिन अगर रोमन तीन बार जीतते हैं तो किंग की गद्दी, रोमन को मौका मिलेगा जीतने का। कोडी के साथ दो मैच लगातार ट्राइबल चीफ जीत चुके हैं भाई। गेम में मैंने बोला था यार, मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को, याद है? देख रहे हो, तेरे नाम रेफरी भी खुश है। दिखा दो रोमन बेल्ट, दिखा दो फैंस को। रोमन के फैंस तो बस वेट कर रहे हैं कि ये दिन दोबारा कब आएगा। और खास करके रोमन की फैंस आई थिंक ये चाह रहे हैं कि कोडी को हरा के रोमन टाइटल छीने। सच्ची सच्ची बताओ, इस चीज का वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि ये रियल लाइफ में कब देखने मिलेगा? तो अगर ये मैच रोमन जीत गया भाई, बाकी अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, रोमन ऐसा भी इतना भी नहीं मारना था रोमन, ठीक है? रोमन मारना था ठीक है, इतना भी नहीं मारना चाहिए था रोमन, इतना क्या को मारते हो? चलो ये मैच लास्ट मैच नहीं होगा, कुछ और मैं कर दूंगा। लेकिन भाई यार रोमन इतना भी नहीं मार रहे हैं, लगातार दो मैच ट्राइबल चीफ जीत चुके हैं। स्पेशल गेस्ट रेफरी किसको बनाया जाए, क्या बोलते हो? किसको बनाया जाए स्पेशल गेस्ट रेफरी? कौन है? सेत? नहीं सेत बन के क्या करेगा? किसको बनाया जाए? रोंडा रॉजी को बनाया जाए क्या? हाँ, लड़की को भी स्पेशल गेस्ट रेफरी बना सकते हैं, रोमन रेंस शील्ड वाले। ना रॉड ज़पाटा, ओके रॉकी को बना दूं क्या? ना रॉक तो भाई रोमन ही का साथ देंगे, ऐसा नहीं करना है। कोई न्यूट्रल आदमी को बनाना है, मामी को बनाया जाए क्या? मामी कैसे लगेगी रेफरी बन के? चलो रेफरी के कपड़े में मामी आएगी, चलो मामी को बनाते हैं भाई रेफरी, थोड़ा कुछ अलग भी देखने मिलेगा। मामी आई डोंट थिंक ये चीटिंग करेगी, जहां तक मुझे लगे नहीं, पॉलीबॉल ही नहीं यार चीटिंग करेगा वो लोग यार, ऐसा नहीं करो। कोडी के साथ भी ईमानदारी वाला हरकत। हाँ आप देखो, ये किस्मत वाली बात है, हो सकता है रिया रिप्ली साथ दे रोमन का। अरे बाप रे बाप, रिया रिप्ली यार एक बार रिया को सामने से देखना बनता है। रिया रिप्ली रेफरी कम ऐसा लग रहा है कि बस मैच में अभी मारना चालू कर देंगे। चलो ठीक, क्या लगता है रिया रिप्ली किसका साथ देंगे? देखो ये किस्मत पे, हो सकता है रोमन का साथ दे दे, हो सकता है कोडी का साथ दे दे, देखते रहो आप लोग, कुछ भी हो सकता है इस मैच में, क्योंकि रिया रिप्ली किसके साथ ईमानदारी करेगी पता नहीं। तो रोमन ने अगर ये तीसरा मैच जीत लिया लगातार, तो रोमन को किंग की गद्दी के लिए मैच मिल जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम होगा, जब भी। नहीं, अभी तो ईमानदारी दिखा रही, देखो रिया रिप्ली फुल ईमानदारी दिखा रही है भाई। कोडी कमबैक करेगा, ओके कोडी के फैंस
कमबैक की बात कर रहे हैं तो कमबैक करने के लिए पता है ना लगातार 3 मैच जीतना होगा कोडी को, अगर आज टाइटल जीत कर जाना है और रोमन को किंग की गद्दी के लिए मैच नहीं देना है तो 3 मैच वो भी लगातार। रिया रिपली रोक रही थी, कोई चीटिंग नहीं कर रही, रिया रिपली ईमानदार है। रोमन अंदर क्या को नहीं जा रहे हो? रोमन रोमन को क्या हो गया? रोमन सोचने लगे, रोमन अंदर क्यों नहीं जा रहे थे? भाई 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 भाई, ये तो खतरनाक दिमाग लगाया रोमन, वेट करने लगे यार। AI ये सब कब से करने लगा? चलो ये भी ठीक है, मतलब तो ज्यादा ही दिमाग लगा। रोमन ने मजबूर कर दिया कोडी को बाहर आने के लिए, और रोमन तैयार बैठे हुए थे कि जैसे ही कोडी आएगा अटैक कर दूंगा। वेपन्स यूज नहीं कर सकते, याद रखना, कोई वेपन्स यूज नहीं कर सकता इस मैच में। रिया रिपली ने अभी तक कोई चीटिंग नहीं करी है। अच्छा चैट में एक बार बताओ मुझे, क्या लगता है रिया रिपली चीटिंग करेगी इस मैच में? और अगर चीटिंग करती है तो किसका साथ देगी? रोमन अंदर का नहीं था, रोमन क्या हो गया है? हाँ नहीं नहीं, मुझे लगा पता नहीं कुछ ग्लिच हो गया है क्या जिससे रोमन अंदर नहीं जाना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, रिया रिपली फुल ईमानदारी दिखा रही अभी तक। अभी तक देखो, आज तक जितने भी स्पेशल गेस्ट रेफरी मैच किए हैं, कोई ऐसा मैच नहीं हुआ है जिसमें रेफरी ने बेमानी नहीं की हो। क्या आज ये पहला दिन है? इन कंसिस्टेंट काउंट्स, क्या बात कर रहे हो? सही से नहीं किया था क्या रिया रिपली? कोडी का साथ दे रही है, पता नहीं पता नहीं, अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हो सकता है रिया रिपली चीटिंग नहीं कर रही हो। वोटिंग देखो एक बार, 81%, लास्ट टाइम देखा था तो 75% था। ये रोमन के लिए यार वोट्स बढ़ाते ही जा रहे हो आप लोग। मुझे लगा था चैंपियन बनने के बाद कोडी को थोड़ा तो ज्यादा सपोर्ट होगा। रोमन रेंस 81, कोडी 19%, यार क्या कर रहे हो आप लोग भाई? 100 ही कर देते फिर रोमन के लिए। ऐसा है तो कोडी के पास सिग्नेचर है, रोमन के पास भी सिग्नेचर है, और रोमन ने लगा दिया भाई, मिस नहीं करते हैं रोमन। रिया चाहे तो चीटिंग कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई चीटिंग नहीं करी। देखो अभी तक बहुत ज्यादा ईमानदारी दिखाई है। वी वॉन्ट समांथा बाबी, और रोमन ने अपना स्पीयर भी ठोक दिया। रेजिलेंस गई क्या? 1, 2, नहीं नहीं, एकदम ठीक पिनफॉल, एकदम ठीक ठाक किया है। मामी चीटर नहीं है, ठीक है? डोमिनिक कुछ सीख अपनी मामी से, देख रहे हो, जरा सा चीटिंग नहीं करी है मामी ने। मेरे को लग रहा था शायद किसी का तो साथ देगी, लेकिन ना 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 भाई, स्कोर क्या है? 2-0 भाई, कोडी का 0 चल रहा है यार, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा एक्चुअली हुआ है बस। कोडी की रेजिलेंसी चली गई, रोमन इतना तबाह नहीं करना है कोडी को आज। क्या कर रहे हो रियल लाइफ में? ये आदमी मतलब चैंपियन बन गया है और रोमन यहां धोने जा रहे हैं कोडी को। रोमन क्या समझ लिया है, क्रिकेट का बॉल इतना नहीं मारना है रोमन? एक आध मैच कोडी को भी जीतते दो यार, ये क्या बात है? रोमन ने तो आज गर्दा उड़ा दिया है भाई, सोचो सोलो का क्या हाल करते। मैंने बोला था कि अरे ये कैमरामैन तेरी तो हट, मेरे हाथ में अब कंट्रोल है। 1 किलोमीटर ऊपर चला गया, यहां से दिखा भाई, ऐसा कुछ दिखा। हाँ मैं नॉर्मल कर दूंगा जब ये लोग अपने जगह पे आएंगे। चलाते रहो भाई, चलाते रहो भाई, कैमरामैन का काम आसान ही नहीं है, ठीक है यार। अच्छा लेकिन कैमरामैन इतना पीछे क्यों चला गया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये डिफॉल्ट कैमरामैन है भाई, आप प्लीज अंडरटेकर का भी मॉड बना सकते हो भाई। अभी तो मैं किसी का मॉड नहीं बना रहा हूँ यार, क्या कर रहा है? सिर्फ रॉक का मॉड भी नहीं बनाया, सिर्फ रॉक का अटायर डाउनलोड किया है, मॉड तो किसी का नहीं बनाया अभी। वो सब काम मैंने छोड़ दिया, अभी 2K23 में था और बड़ा दिमाग खराब हुआ था, इसलिए 2K24 में मैंने वो सब रखा ही नहीं है। कोडी पास फिनिशर आ चुका है, कोडी अगर यूज करते हो तो रोमन की भी रेजिलेंस जा सकती है, लेकिन यूज नहीं किया। कोडी सही टाइम का वेट कर रहे हैं, और आई थिंक सही टाइम आने ही वाला है। अब नहीं तो कब कोडी, अब नहीं तो कब? फिनिशर चिपकाया, रोमन ने रिवर्स नहीं करा है, रोमन की रेजिलेंस गई। दोनों बराबरी पे आने वाले हैं, 1, 2, बिना रेजिलेंस के ये आदमी किक आउट करता है भाई। रोमन गेम के अंदर 2K ने क्या नया अपडेट डाला है रे भाई? और अगर ये अपडेट डालना ही था तो जब रोमन रियल लाइफ में चैंपियन थे तब अपडेट में कोडी जीते जा रहे थे, याद है? लेकिन रोमन की चैंपियनशिप हारने से 2-3 दिन पहले 8GB का अपडेट आया, उसके बाद से रोमन बहुत ही फाड़ू खेल रहे हैं, और आज लाइव में प्रूफ है आप लोगों के सामने। मैं मजाक नहीं कर रहा था, कोडी जो कि सबको हराते चल रहे थे अभी किंग टूर्नामेंट में, आज 2-0 चल रहा है और 3-0 होने वाला है। कोडी किक आउट कर दिया है, लेकिन
अब अगर एक फिनिशर पड़ा ना तो कोडी किक भी नहीं करेंगे और आउट भी हो जाएंगे। तो देख लेना कोडी, संभाल लेना वरना गया है मैच। एक तो मैं रियर रिप्ली को देखकर शॉक हूं भाई, अभी तक एक भी चीटिंग नहीं की मैडम ने, और अब मैच गया। कोडी क्या कर रहे हो यार, रोमन आज मार मार के गर्दा इतना नहीं उड़ाना था, लेकिन मजाक नहीं कर रहा हूं। 1-2 अरे भाई के साथ 3-0 कोडी के साथ 3-0 कैसे कर लिया रोमन ने, 3-0 कर दिया भाई साहब। रोमन को किंग की गद्दी के लिए मैच मिल गया है, बहुत बढ़िया भाई रोमन, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी लाइव स्ट्रीम खत्म नहीं हो रही है, चलो और मैच करके देखते हैं कि रोमन कितने मैचेस में लगातार हरा सकते हैं कोडी को, देखते हैं भाई रोमन अनबीटेबल बन गए क्या। नहीं 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 ऐसा नहीं है यार, कोई मैच में तो हारेंगे, 3-0 कर दिया, चलो ठीक है। रोमन अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बन गए गेम के अंदर, लेकिन अभी भी बहुत मैच है। मैं बोलता हूँ एक्सट्रीम रूल्स करके देखते हैं, मैं बता रहा हूँ इसमें रंग दिखाएंगे कोडी, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है रोमन। लेकिन बहुत मारा यार रोमन ने, फिनिशर दे दूंगा इस बारी से। नहीं, फिनिशर देने से क्या होता है ना, मैच स्टार्ट होते के साथ खत्म हो जाता है, वो भी एक दिक्कत है यार। 3-0 गर्दा उड़ा दिया यार, 4-0 भी करेंगे क्या रोमन? रोमन फैंस क्या लग रहा है, 4-0 नहीं, अब टाइटल के लिए नहीं होगा, अब टाइटल के लिए नहीं होगा क्योंकि टाइटल अब रोमन के पास जा चुका है। और तीन मैच का मैंने बोला था, रोमन ने लगातार तीन मैच जीत लिया। रोमन क्या कर रहे हो यार, चौथा मैच भी जीत कर कुछ और नया रिकॉर्ड आज रोमन शायद कुछ नया रिकॉर्ड कायम करेंगे भाई। आज ये हाल है तो किंग की गद्दी के लिए जिस दिन होगा उस दिन तो रोमन स्क्वाश करके निकल जाएंगे। देखो आज तो सिर्फ टाइटल जीता है, वो तो आते जाते रहता है, लेकिन अब रोमन को किंग की गद्दी के लिए मैच मिल गया है भाई। वोटिंग दे रहा हूँ, एक सेकंड, एक्सट्रीम रूल्स शुरू होते के साथ रोमन ने अपना जो काम स्टार्ट किया है भाई लोग, ऐसा वैसा काम स्टार्ट किया है। कोडी फिनिशर, अरे फिनिशर दे दे भाई कोडी। एक्सट्रीम रूल्स मैच है तो वेपन्स भी यूज कर सकते हो। 5-0 करेंगे रोमन, लिख के ले लो भाई। चलो देख लेते हैं भाई, फिलहाल तो 3-0 कर दिया और बहुत बुरी तरीके से हराया भाई। हर मैच में रेजिलेंस भी बचा ले रहे, आई थिंक के एम्बुलेंस मैच में रेजिलेंस गई थी, लेकिन आज तो ये आदमी नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। अरमान भाई रोमन जब शील्ड में दे तब से रोमन को पसंद करता हूँ, मेरे बाबा अंडरटेकर आए लिए WWE देखते था, अच्छा तब मैं भी देखता था शायद 10 और 11 साल, तब से रोमन का फैन हूँ। ओहो हो, मतलब कितने साल हो गए अभी, रोमन बिग डॉग कब थे भाई, आई थिंक 10 साल से ऊपर हो गया होगा जब शील्ड में रोमन थे, 10 साल से ऊपर नहीं हो गया होगा आराम से। लव यू टू मेरे भाई। वोटिंग देखो 88%, अरे पॉप रे पॉप, रोमन फॉलोइंग यार खतरनाक, रोमन को लोग पसंद करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं। देखो और कोडी के भी फैन लोग हैं, लेकिन ये एकदम सही बात है, इंडिया या आप बोल सकते हो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जहां लोग ज्यादातर हिंदी बोलते हैं वहां पर लोग रोमन को ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे सऊदी में भी लोग रोमन को ज्यादा पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोडी को अंग्रेज फैंस भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन रोमन को जब अंग्रेज फैंस पसंद नहीं भी करते थे तब भी इंडियंस रोमन को उस टाइम भी बहुत पसंद करते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है क्या, जहां तक मुझे लग रहा है। कोडी फिनिशर छोड़ के बाकी सारे काम कर लोगे ना, फिगर फोर लेग लॉक कोडी का ये सिग्नेचर में दे देना चाहिए। कोडी ये वाला इतना ज्यादा देते हैं ना सबमिशन, मैं तो बोलता हूँ कोडी कटर को हटा के सिग्नेचर में यही दे देना चाहिए, या एक्स्ट्रा सिग्नेचर में ये वाला देना चाहिए, फिगर फोर लेग लॉक। भाई आपके सब्सक्राइबर में मेजोरिटी रोमन के फैंस है भाई, मेरे नहीं यार भाई, जहां भी जाओगे रोमन ही इंडिया, मैंने अभी क्या बोला, हिंदी जहां तक ज्यादातर लोग बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल और कौन जगह है भाई यहाँ पर हिंदी बोलते हैं लोग, ऐसे सऊदी में भी बोलते ही होंगे, लेकिन हाँ ये जो एरिया है ना यहाँ पर ट्राइबल चीफ का फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल पे है, और ट्राइबल चीफ नहीं भी थे रोमन तो बिग डॉग का भी फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल पे था। यहाँ पर लोग रोमन ब्रॉक सीना और कौन है ये लोग को ज्यादा पसंद करते हैं, मैं खुद सीना को पसंद करता हूं तो क्या बोलूं अभी, तो इसीलिए मैं कौन होता हूं। लव यू टू मेरे भाई। भाई कैमरा चेंज करो भाई, इतना अच्छा तो दिखा रहा है, कैमरामैन को भी काम करने दो, किस चीज के पैसे ले रहा है भाई। सोलो बहुत पिटेगा रोमन से। अच्छा रोमन फैंस, सोलो के लिए आप लोग का क्या कह रहे हैं, सोलो और रोमन में वोट करवाता हूं, रियल ट्राइबल चीफ। रुक जाओ
ये तो मुझे देखना है भाई, अगर इसमें 100% वोट नहीं ना आया तब गलत हो जाएगा। इसमें तो भाई मैं भी भली, मुझे जॉन सीना ज्यादा पसंद है, लेकिन इसमें सोलो को नए, सोलो से तो मुझे भी दुश्मनी है। जब से सीना को गंदा मारा है सोलो ने, तब से मैं सोलो से चिढ़ता था, और अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि रोमन के फैंस भी सोलो के खिलाफ हो गए। मजा आ रहा है मुझे सोलो से, मैं तो बहुत बड़ा चिढ़ता था भाई जिस दिन से। अरे ये कौन आ रहा है? अरे तेरे को क्या चाहिए यार, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को क्या दिक्कत है रोमन से भाई? ये उल्टा हो रहा है, बताओ इंटरफेरेंस। अरे कोडी के पास तीन तीन फिनिशर, क्या खतरनाक चीटिंग हुई है। कोडी के पास तीन फिनिशर कैसे भाई, क्या हरकत है ये। मोंटेस फोर्ड बहुत गंदा हरकत किया यार, ये रोमन को इंटरफेरेंस करवाना चाहिए तो अलग ही हो रहा है। रोमन भाई गेम के अंदर, ये कहीं गेम प्रिडिक्शन तो नहीं दे रहा है कि रोमन आगे जाकर फेस सुपरस्टार और कोडी बदमाश हो जाएंगे यानी हील सुपरस्टार। ये नहीं नहीं नहीं, रोमन ने भी इंटरफेरेंस करवा दिया है और ट्राइबल चीफ के नाम पे ये आया है। ये ऐसा नहीं लग रहा है, ड्रम बज रहा है। सोलो अरे अरे, सोलो तो डायरेक्ट रिंग में घुस गया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। सोलो की वजह से कोडी को एक और फिनिशर मिल गया है। कोई क्या गुंडा बनेगा रे सोलो, हट, मदद करने आया था कि टाइम पास करने। ये क्या हो रहा है, ये डस्टबिन बड़ा आवाज करता है। 2K को ये वाला ग्लिच ठीक करना चाहिए, पता है। अच्छा कोडी के पास दो तीन फिनिशर कहां से आया भाई, कोई बताएगा मेरे को? दो तीन फिनिशर लेके घूमे जा रहे हैं कोडी रोड्स। और ये मोंटेस फोर्ड काय को आया था, ये भी कोई प्लीज मुझे बताओ। चलो सीना ये सब आते तो समझ में भी आता, ये मैच लगता है कि कोडी जीतने वाले। अब क्या फायदा, कोडी जो जीतना चाहिए था उसमें तो झोल करवा लिया। रेजिलेंस गई रोमन की, और एक और फिनिशर देंगे कोडी तो जीत सकते हैं, लेकिन एक और फिनिशर देना होगा। ये वाला फिनिशर लगा, कोडी जीत जाएंगे, फाइनली कोडी जीत जाएंगे अगर ये फिनिशर कनेक्ट हो गया। हो गया भाई, हो गया। लगातार तीन फिनिशर लगाया है, अब तो जीतना ही है ना भाई, अब तो जीतना ही था। तो तीन और वन चल रहा है, लेकिन फायदा नहीं है भाई, अब तो किंग के लिए मैच मिल ही गया। चलो और भी मैचेस है, और भी मैचेस है, लेकिन मोंटेस फोर्ट जब आया ना तो कोडी को अचानक से तीन फिनिशर मिल गया, मुझे ऐसा लगा भाई। ये मोंटेस फोर्ट काय के लिए आया था, रोमन को हरवा के चला गया। अगर मोंटेस फोर्ट नहीं आता तो कोडी को तीन फिनिशर मिलता नहीं, पता है। ये गलत किया कोडी ने, कोडी ये क्या गोची किया तुमने। एक लास्ट मैन स्टैंडिंग, ये आज का लास्ट मैच है, जो भी जीते लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। और तीन फिनिशर नहीं, दो फिनिशर दूंगा, ठीक है। ये आज का लास्ट मैच है फेल आर्मी, क्योंकि जानते हो ना 7 बज गया है और 7:30 से पहले स्ट्रीम बंद करना है, समझ रहे हो ना, मैच। तो ये आज का लास्ट मैच है, जो भी जीते। रोमन के लिए 92.8% कौन लोग हैं जो सोलो को रियल ट्राइबल चीफ बोल रहे हैं, प्लीज मेरे को आके मिलना स्ट्रीम खत्म करने के बाद। ऐसी खातिरदारी करूंगा ना, ऐसा नहीं है कि मैं रोमन का फैन हूं, ना ना ना, मतलब रोमन ठीक ही ठाक लगते हैं, लेकिन सोलो का मैं हेटर हूं, आप बोल सकते हो, सोलो से मुझे चिढ़ है। तो ये जो भी 8% लोग हैं जिन्होंने सोलो को रियल ट्राइबल चीफ बोला है, प्लीज मेरे से आके मिलना जरूर, एड्रेस मैं अपना दे दूंगा। मजाक कर रहा हूं, सीरियसली मत ले लेना। लास्ट मैच के लिए वोटिंग, हु इज बेटर चैंपियन, ना ना ना, मैं जान रहा हूं इसमें वोटिंग दे के फायदा क्या है, जान ही रहा हूं किधर वोट आएंगे। रोमन लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है, लगातार दो फिनिशर देना, गलती कर दी रोमन, सही जा रहे थे। और जो लोग भी लेट से आए उनको मैं बताना चाहूंगा भाई, जो मेन चीज के लिए हो रहा था वो खत्म हो गया है, बस अब ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोडी अच्छा दिमाग लगा रहे हो, बार बार लगातार फिनिशर देने से क्या होगा कि लास्ट मैन स्टैंडिंग होना आसान हो जाएगा। रेफरी गिनती चालू करो, कोडी अब मत छूना, अब होने दो, 1-2-3 होने दो, चिल मारो। फैंस इतने बदमाश है कि 1 more time चिल्ला रहे हैं भाई, खतरनाक है फैंस भी। 7 हो गया रेफरी, अरे बड़ा जल्दी जल्दी गिर रहा था यार रेफरी, ये चिरकुट दाढ़ी वाला रेफरी बड़ी जल्दी की। भाई 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 भाई, मेरे को ऐसा लगा 8-10 तुरंत कर दिया इस चिरकुट दाढ़ी वाले रेफरी ने। वो दिल चाहता वाला दाढ़ी रखता है ये, ऐसे मैं भी वो रखता हूँ, पता है रियल लाइफ में। लव यू टू मेरे भाई, आई एम ऑल्सो लिविंग इन रांची। ओके, बहुत बहुत बढ़िया भाई, और भी बहुत लोग, बहुत आबादी है, बहुत लोग रह रहे हैं। क्या खत्म हो गया भाई, जो मेन टाइटल के लिए मैच हो रहा था, अगर आप लेट हो तो मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन वो खत्म हो गया है।
और साथ ही साथ रोमन को मिल गया है दो चीज, दो चीज एक साथ, टाइटल भी और किंग की गद्दी भी मिल गई है। वो कैसे मिली है वो आप स्ट्रीम देखना है, स्ट्रीम खत्म होने के बाद तब आपको पता चलेगा। 81% वोट ट्राइबल चीफ को, 81% वोट, क्या है यार। कोडी को अभी 19%, चलो फिर भी कोडी को 19% आ रहा है। जब स्टार्टिंग में रोमन बहुत ज्यादा जीत रहे थे ना, तब पता है रोमन के लिए क्या वोट था, 88%, और आई थिंक कि कोडी के लिए उस टाइम बहुत ही गंदा वोट था। ये लास्ट मैच है फेल आर्मी, ये आज का लास्ट मैच है, जो भी जीते या हारे ये आज का लास्ट मैच है, ठीक है। टेबल टूट, अरे फिनिशर नहीं है यार, बहुत कम ही ऐसा होता है कि ये लोग टेबल तोड़ते हैं, मतलब टेबल मैच में तो तोड़ते हैं, लेकिन वो जो टेबल्स मैच होता है ना, बिना टेबल्स मैच के ये लोग कमेंट्री टेबल नहीं तोड़ते हैं। अगर कोडी के पास फिनिशर रहता ये पक्का टेबल तोड़ने का ट्राई करता यार, लेकिन फिनिशर ही नहीं था। देखो अब मैं समझ जाऊंगा ना कि रोमन का जो नया अपडेट आया है उसके बाद रोमन किंग बन जाएंगे, अगर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच जो अभी हो रहा है इसमें रोमन जीत गए तो, क्योंकि आपको याद होगा कि रोमन किंग की गति जितनी बारी हारे हैं सब हमेशा लास्ट मैन स्टैंडिंग के मैच की वजह से हारे हैं, क्योंकि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में रोमन हार जाते हैं 99% टाइम हारे जाते हैं गेम में। तो अगर रोमन ये वाला जीत गए तो समझ लेना कि ऐसा अपडेट आया है जो कि रोमन को लास्ट मैन स्टैंडिंग में भी नहीं हारने देगा। चलो देख लेते हैं क्या लगता है, लास्ट मैन स्टैंडिंग में जीतेंगे रोमन। सिग्नेचर आ गया ट्राइबल चीफ के पास। डिग्लिश भाई थैंक यू फॉर द सुपर चैट, भाई मैंने तुम्हें अपनी पहली सुपर चैट दे रहा हूँ, अरे थैंक यू सो मच ब्रो। रॉक लिसन लो कॉबॉय भाई आने तो देना रे पहले गेम में, मैं बहुत टाइम से खोजे आ रहा हूँ आ ही नहीं रहा। रोमन स्पीयर देने की जरूरत नहीं है अभी, 1 2 3 होने दो ना, हाँ चिल मारो चिल मारो, 2 स्टाइल विद स्टाइल मारो रोमन, जाके एक्नॉलेज करवाओ सबसे, 4 हो गया है, हाँ देखा रोमन एक्नॉलेज करवाने लगे, 6 7, अरे रोमन मारते मारते क्यों रोमन यार, अच्छे खासा जाते रहते हैं। हाँ कॉर्नर स्पीयर भी दे सकते थे, ओके 1 2, अरे रोमन 10 होने दो ना रोमन, भली होगा नहीं लेकिन करवाने दो यार। रोमन फैंस क्या लग रहा है, आज लास्ट मैन स्टैंडिंग फाइनली जीत पाएंगे रोमन, भाई कितने पॉइंट्स का, भाई पॉइंट्स जो था वो खत्म हो गया है, ठीक है 3 पॉइंट्स के लिए था तो 3 पॉइंट 3 और 0 कर दिया था रोमन ने, 5, आज कोडी का दिन खराब था बोल सकते हो आप, 6 7, रेफरी आराम से भाई, इतना भी जल्दी नहीं है, अभी टाइम है मैच स्टार्ट होने में, 28 मिनट टाइम है। प्लीज भाई एक बार मैच सोलो और रोमन का, अरे हाँ ये तो करना है भाई सोलो यार, या कोडी लगातार 3 मैच हार गए सोलो क्या करेगा। मैं ऐसे नूब बोलता नहीं हूँ लेकिन सोलो को नूब बोलने का दिल है, सोलो नूब। रेफरी गिनना चालू कर, अब कोडी अगर रेजिलेंस यूज नहीं करोगे टाटा बाय बाय हो जाएगा, यूज कर लेना पता नहीं शायद, 3 4 देख लेना कोडी, 5 6 कोडी उठने का नाम नहीं ले रहे, 7 8, अरे कोडी अरे मां कसम कोडी, रोमन भाई 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 रोमन लास्ट मैन स्टैंडिंग में इतनी आसानी से जीत के चले गए भाई, सब भाई रोमन ने आज कोडी का इतना गर्दा उड़ा दिया। रुको तो मुझे एक बार देखने दो, लेजेंड ही पे है ना गेम प्ले, लेजेंड ही पे होगा भाई, हाँ लेजेंड पे यार, रोमन ने इतना गर्दा कैसे उड़ा दिया। रोमन का पता नहीं क्या अपडेट आया, लेकिन जो भी अपडेट है कुछ ज्यादा ही फाड़ू अपडेट है, क्योंकि देख रहे हो ना कोडी का आज गर्दा उड़ा दिया। कोडी सिर्फ एक मैच में जीते वो भी मॉन्टेस फोर्ट की वजह से, मॉन्टेस फोर्ट के आने के बाद पता नहीं कोडी के पास 3 फिनिशर कैसे आ गया, वरना वो वाला मैच भी अगर कोई आता नहीं तो रोमन ही जीतने वाले थे, मां कसम भाई इसको बोलते हैं गर्दा पे गर्दा उड़ाना। तो फेल गेम फैमिली आज के स्ट्रीम हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, थोड़ी छोटी स्ट्रीम है लेकिन क्या करोगे मैच स्टार्ट होने वाला है, तो अब मैं चलता हूं, और मुझे क्या पता था भाई रोमन 3-0 कर देंगे, रोमन को इतना जल्दी जीतने क्या जरूरत है, लंबा स्ट्रीम करते ना, लेकिन चलो ठीक है अच्छा ही है, मैच के बीच में बंद करना पड़ता उससे बेटर है। और मैंने जैसा वादा किया है कि रेसलिंग पीडिया पे 1 मिलियन सो गए तो पक्का रेसलिंग पीडिया पे फेस रिवील कर दूंगा, ऐसे इंस्टाग्राम पे कर दिया है, तो अभी लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद ना मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है अभी रेसलिंग पीडिया में कुछ देर में वीडियो भी आएगी तो आप देख लेना जाकर कि क्या कोडी बोरिंग चैंपियन है, इस बारे में वीडियो है जाके देख लेना, अभी मैं लिंक डाल दूंगा अपने वो रेसलिंग पीडिया चैनल का, जिसको नहीं पता है
तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। चलो मैं मिलता हूं कल वीडियो के साथ, और अब जब भी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम होगा, फॉर किंग होगा, किंग कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस, और किंग का मैं एक बेल्ट भी बना दूंगा, ठीक है? तो चलो मैं मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, ख्याल रखो सबको, सेफ रहो, अच्छे से रहो, टाटा।